हेलो चिल्ड्रंस, गुड मॉर्निंग। देखिए, मैंने आपको मस्कुलाइन और फेमिनाइन समझाया था, तो इसी से रिलेटेड मैं आज आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ। देखिए, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग। अपोजिट का मतलब क्या होता है? उल्टा लिखना, ठीक है? तो ये बताया था मैंने आपको कि मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों अपोजिट ही कहलाते हैं, बस इनका थोड़ा अब नेम चेंज हो गया है। इनको मस्कुलाइन और फेमिनाइन के नाम से जाना जाता है। मस्कुलाइन यानी कि पुल्लिंग, फेमिनाइन यानी कि स्त्रीलिंग। मस्कुलाइन यानी कि मेल, फेमिनाइन यानी कि फीमेल। मस्कुलाइन यानी कि आदमी के बारे में बात होती है, जेंट्स के बारे में बात होती है। फेमिनाइन यानी कि स्त्री के बारे में बात होती है, स्त्रीलिंग के बारे में बात होती है। तो देखिए, फर्स्ट है प्रिंस। प्रिंस कौन होता है? राजकुमार। तो राजकुमार, उसका फेमिनाइन क्या होगा, स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रिंसेस, यानी कि राजकुमारी। तो डबल एस लग जाएगा, प्रिंस की स्पेलिंग लिख के डबल एस लग जाएगा। फिर LION, लोयन। लोयन यानी शेर होता है, तो लोयन का फेमिनाइन क्या होगा? ये मस्कुलाइन है लोयन, तो लोयनेस हो जाएगा। तो ESS लग जाएगा इसमें भी, लोयन की स्पेलिंग लिख के। फिर बुल। बुल कौन होता है? सांड होता है, तो ये मस्कुलाइन है, तो सांड का फेमिनाइन क्या होगा? काऊ, है ना, गाय। हॉर्स क्या है? मस्कुलाइन है, हॉर्स यानी घोड़ा, तो ऐसे ही घोड़ी का नाम आ जाएगा। यहाँ पे मेयर। कॉक, कॉक यानी मुर्गा, तो यहाँ हैन आ जाएगा। ऐसे ही ब्रदर, सिस्टर। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। पीकॉक, पीहैन। मैन, वुमेन। डॉग, बिच। इस तरीके से इनके फेमिनाइन वर्ड्स आपको लिखने हैं, आपका आज का होमवर्क है, और उनको लर्न करना है। ठीक है, थैंक यू।